नमस्कार दोस्तों, पिनाइल इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है? पिनाइल इम्प्लांट की लाइफ के बारे में जानने के लिए आप ये मेरा आज पूरा वीडियो देखिए। पिनाइल इम्प्लांट की जो लाइफ होती है वो कम से कम 15 साल होती है, और कई लोगों में मैंने देखा है कि पिनाइल इम्प्लांट 20 से 30 साल भी चल जाता है। इसका कारण है कि सिलिकॉन से बना होता है पिनाइल इम्प्लांट। जो सिलिकॉन मटेरियल होता है वो बहुत ड्यूरेबल होता है, तो वो आसानी से ख़राब नहीं होता। अब हम मैलिएबल इम्प्लांट की बात करते हैं। मैलिएबल इम्प्लांट जो होता है, आप देखिए इसका मैकेनिज्म भी कितना आसान है। बेंड करने से बेंड हो जाता है और स्ट्रेट करने से स्ट्रेट हो जाता है, और हम सेक्स कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर हम इंडियन और अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट के बारे में देखें, तो इंडियन मैलिएबल इम्प्लांट जो होता है उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट से। उसका कारण देखिए क्या है। आप ये जो इम्प्लांट देख रहे हैं, ये है अमेरिकन मैलिएबल इम्प्लांट। पीछे इसमें पूरा सिलिकॉन है और सामने भी सिलिकॉन है। सिलिकॉन के अंदर सिल्वर वायर्स हैं। तो ये सिल्वर वायर्स का क्या काम है? एक तो इरेक्शन रिजिड करती है, दूसरा जब हम बेंड करते हैं तो बेंड रहती है, और जब स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट हो जाती है। जो इंडियन इम्प्लांट है उसमें सिर्फ सिलिकॉन से बना होता है, इसमें कोई वायर्स नहीं है। तो जब डाउन करते हैं, जैसे कि हम कपड़ों के नीचे, तो अंदर आराम से छुपा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम कपड़े उतारेंगे तो वो ऐसे बैक हो जाएगा। इसमें कोई मेमोरी नहीं है जिससे कि वो डाउन ही रहेगा। तो ये एक थोड़ा नुकसान है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई सिल्वर वायर्स नहीं है, तो इसमें कोई सिल्वर वायर्स जैसी ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए जो इंडियन इम्प्लांट होता है उसकी लाइफ अमेरिकन इम्प्लांट से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि 15-20 साल के बाद जब इम्प्लांट चलना बंद कर जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सिल्वर रिंग्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं, तो इम्प्लांट इतनी अच्छी तरह ऊपर नीचे नहीं होता, स्टेबल नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें 15-20 साल के बाद हो सकती हैं। दूसरी चीज़, चाहे वो इंडियन इम्प्लांट हो चाहे अमेरिकन इम्प्लांट हो, जब पेनिस के अंदर पड़ा पड़ा लूज़ हो जाता है, उसकी फिटिंग लूज़ हो जाती है, मतलब कि जैसे इसको जब हम डालते हैं तो बिल्कुल टाइटली फिटेड होता है अंदर, जिससे कि हम लोग आराम से रिजिडिटी ला सकते हैं, आराम से सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जब पड़ा पड़ा यूज़ करते करते ये इम्प्लांट लूज़ हो जाता है। इसको लूज़ होने में कम से कम 15-20 साल लगते हैं। तो क्या होता है कि जो इम्प्लांट बिल्कुल वेल फिटेड था वो लूज़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट सेक्स ठीक से नहीं कर पाता इम्प्लांट के बाद। तो जब इम्प्लांट ऐसे ख़राब हो जाता है तो उसको या तो हम आराम से निकाल के नया इम्प्लांट डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इम्प्लांट सर्जरी बार बार हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि अब हमारे को और सेक्स करना ही नहीं है, तो अब इस इम्प्लांट का क्या करें? तो कई लोग उसको आराम से निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कई लोग उसको बिना निकलवाए बॉडी के अंदर ही रख सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लांट सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, जो बहुत ही बायो कंपैटिबल मटेरियल है, जिसका मतलब है कि जब इम्प्लांट को बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो उससे ना कोई रिएक्शन होता है, ना कोई कैंसर का खतरा होता है। तो इम्प्लांट सर्जरी बहुत सेफ है। सो दोस्तों, आपने इस वीडियो में समझा कि इम्प्लांट की लाइफ कम से कम 15 साल होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इम्प्लांट को आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपको इम्प्लांट के बारे में और भी कोई क्वेश्चंस हुए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं मेरे से, या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको इम्प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कर सकता हूँ। धन्यवाद।